तो दोस्तों आज का जो वीडियो है ना, ये बिल्कुल भी लोन एप्लीकेशन के ऊपर नहीं है। आज का वीडियो है एक नए धमाकेदार पे लेटर के ऊपर। आपके लिए मैं लेकर के आ चुका हूँ एक और नया धमाकेदार पे लेटर, जो कि इसी साल लॉन्च हुआ है और काफ़ी तगड़ा ये पे लेटर है। दोस्तों मेरे काफ़ी दोस्त कहते हैं कि सर कभी कभी आप पे लेटर के भी वीडियो बनाया करो, तो मैं पे लेटर भी लाता रहता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो पहले हम पे लेटर के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे, उसके बारे में फिर हम ये भी बताएंगे कि ये पे लेटर वर्क कैसे करता है और आपको इसमें अकाउंट ओपन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो गाइज हम चलते हैं पे लेटर की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ पे लेटर के अबाउट सेक्शन में। पे लेटर का कहना है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से, यहाँ पर आपको जो हम लिमिट देंगे वो होगी 10,000 रुपये से लगा करके 1,00,000 रुपये तक की। ठीक है, और इसी लिमिट को जब हम यूज करेंगे तो यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस पे लेटर की लिमिट को 1 महीने के अंदर रीपेमेंट कर देते हो तो आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, और अगर आप यहाँ पर लेट करते हो तो फिर भैया आपको यहाँ पर जो है 14 से 28% पर एनुअल के हिसाब से यहाँ पर आपको जो है इंटरेस्ट देना होगा। अब जो भी आप लिमिट ट्रांसफ़र करोगे बैंक अकाउंट में, उस पर आपको ईएमआई का भी ऑप्शन मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये पे लेटर काम कैसे करता है। आपने मनी टैप एप्लीकेशन का नाम सुना होगा। मनी टैप एप्लीकेशन में एक क्रेडिट लाइन दे दी जाती थी और जब हम उस क्रेडिट लाइन को बैंक में ट्रांसफ़र करते थे तो फिर वहाँ पर विदाउट इंटरेस्ट के हमको लिमिट बैंक में ट्रांसफ़र होती थी, लेकिन जब हम रीपेमेंट करते थे तो वहाँ पर इंटरेस्ट और जीएसटी दोनों इंक्लूड करके हमको जो है बिल्कुल रीपेमेंट करना होता था। उसी प्रकार से ये भी काम करती है। अगर हम माने तो इस क्रेडिट लाइन को हम लॉन भी बोल सकते हैं। ठीक है, बट मैं आपको बता दूं कि मैं इसको लोन क्यों नहीं बोल रहा हूं। लोन मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि जो भी आपको यहां पर लिमिट मिलती है ना, उस लिमिट को अगर हम अपने सिबिल पे चेक करें तो नहीं मिलेगी। मतलब ये हमारे सिबिल पे जो है किसी प्रकार का इफ़ेक्ट नहीं करता है, इसलिए हम इसको बाय नाउ पे लेटर बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों जब हम जो लिमिट हमको मिली है उस लिमिट को अगर हम बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर जो है 750 रुपये या फिर मिनिमम 2.5% प्रोसेसिंग फीस देनी होगी, जो कि आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से काटी जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पर समझ सकते हो, आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप बड़े ही आसानी से एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो, आपने लोन डिस्बर्स किया बैंक में 30,000 रुपये का, ठीक, मतलब क्रेडिट लाइन, तो यहाँ पर आपके बैंक में 29,250 रुपया बैंक में क्रेडिट कर दिए जाएंगे, 750 रुपया प्रोसेसिंग फीस ले ली जाएगी और टोटली आपको रीपेमेंट करना होगा 33,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पर इंटरेस्ट अपने हिसाब से चूज़ कीजिएगा। ठीक है, 1 महीने का अगर आप चूज़ करेंगे तो थोड़ा आपका जो लोन का इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इस प्रकार से काम करता है एप्लीकेशन। ये मार्केट में न्यूली लॉन्च हुआ है। इसकी लॉन्चिंग डेट की बात करें तो 31 अगस्त 2022 को ये लॉन्च हुआ। अभी इसको 1,000 लोगों ने इंस्टॉल किया है, ज़्यादा लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया है। तो गाइस यहाँ पर हम जैसे हम ओपन करते हैं तो ये इस प्रकार का डैशबोर्ड हमारे सामने शो हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लो। चलिए हम इसको क्या करेंगे, गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक, यहाँ पर देखो, फ्री कैश विड्रॉवल एंड कन्वर्ट इजी EMI 3, 6, 12, 18 मंथ की। आप अपने हिसाब से यहाँ पर EMI सेलेक्ट करिएगा। ठीक, मनी टैप की तरह ही पूरा ये काम करता है। गेट स्टार पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो इस प्रकार का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, न्यू यूजर्स पर क्लिक करेंगे तो साइन अप करने के लिए ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना होता है। ठीक है, तो गाइज मैं आपको एक बात यहाँ पर बता दूँ कि अभी हम इस एप्लीकेशन में लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो लॉगिन नहीं हो पा रहे हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये एप्लीकेशन रनिंग पे है। अभी मैंने इनके कस्टमर टीम से बात की थी तो इनका ये कहना था कि अभी हम अपने ऐप के अंदर कुछ अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ये अपडेट हो जाएंगे तो आप लॉगिन कर सकते हो। अब अपडेट क्या कर रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये पहले लिमिट प्रोवाइड करता था मेरे भाई,
लॉन्च हुआ था जैसे ही लिमिट प्रोवाइड करता था। लेकिन दोस्तों अभी कुछ क्या मालूम आरबीआई गाइडलाइंस के रूल के खिलाफ अभी काफ़ी पे लेटर जो है बंद किए गए हैं, तो इन्होंने जो है उसी को ध्यान में रखते हुए अपनी क्रेडिट लाइन को ना दे करके ये लोग इस कार्ड को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि SBI बैंक की तरफ से आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और फिर उस कार्ड के अंदर लिमिट मिलेगी, आप यूज कर सकते हो, इसीलिए यहाँ पर अभी लॉगिन होने में दिक्कत आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि वीडियो क्यों बनाया। दोस्तों मैंने वीडियो इसलिए बनाया कि आप इस एप्लीकेशन पे नज़र रखिएगा, फोकस कीजिएगा। जैसे ही ये एप्लीकेशन वर्क करने लगता है मैं रिसेंटली नया वीडियो बना दूंगा और आपको लाइव प्रूफ सब कुछ दिखा कर समझा दूंगा, ठीक है। अभी तो इसको 5 स्टार की रेटिंग मिली है और 4.5 स्टार की यहाँ पर रेटिंग मिलके यहाँ पर 5 स्टार भी बहुत से व्यूवर्स ने दिए हुए हैं। तो गाइस ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो भैया टेंशन ना लो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे, इंस्टॉल कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।